अगर आप वजन बढ़ने से परेशान हैं, आप दिन भर इरिटेट रहते हैं, दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, आपके चेहरे पे एक अजीब सी पफीनेस है, सूजन टाइप की है पूरे शरीर में, जब आप सो के उठते तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ पैर सूज रहे हैं, तो अगर आप में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको थायराइड की बीमारी हो गई है। तो आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में ही। आजकल महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है पुरुषों के कंपेयर में। 8 महिलाओं में से लगभग एक महिला जो है वो थायराइड की बीमारी से ग्रस्त है, पुरुषों में ये थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि थायराइड ये क्या है, इसके ये क्यों होता है, इसमें कौन कौन से लक्षण मिलते हैं अगर थायराइड की बीमारी हो जाती है तो, और इसकी फिर हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं, और चिकित्सा करने से पहले हम इसकी जांच में क्या क्या करवाते हैं, और साथ में फिर इसकी चिकित्सा की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड क्या है। इसके बीच में ही अगर आपने हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए हम जानते हैं कि थायराइड क्या है। थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे यहाँ नेक के बेस में नीचे की तरफ पाई जाती है, और ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि इससे हार्मोन निकलते हैं जिसको कहते हैं थायराइड हार्मोन, T3, T4 निकलता है यहाँ से, और इसको कंट्रोल करने के लिए एक हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है जिससे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि जो थायराइड है उस पर स्टिमुलेट करता है, और स्टिमुलेट करने की वजह से ही T3, T4 यानी कि थायराइड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब अगर कोई थायराइड में प्रॉब्लम हो जाती है तो थायराइड का सिक्रीशन, हार्मोन्स का सिक्रीशन T3, T4 कम हो जाता है। अब जब वो कम होता है तो क्या होगा, पिट्यूटरी फिर से कोशिश करेगी कि थायराइड जो TSH है उसको और सिक्रीट किया जाए ताकि थायराइड जो है अपना बैलेंस बना सके बॉडी में। लेकिन क्या होता है कि T3, T4 नहीं मेंटेन हो पाता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि T3, T4 कम होता चला जाता है और TSH जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसी को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो ये सबसे ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म ही मिलता है, होता एक हाइपरथायरॉयडिज्म भी है जिसमें थायरॉयड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, लेकिन ये हाइपरथायरॉयडिज्म ज़्यादातर देखा गया है कि ये कम मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो ज़्यादा मिलता है। अब हम बात करते हैं कि थायरॉयड किन लोगों में ज़्यादा होता है या इसके क्या कारण हैं। तो ये अगर लोगों की बात की जाए तो महिलाओं में ये ज़्यादा मिलता है। कारण में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबसे पहला तो हमारा लाइफस्टाइल ही आता है। लाइफस्टाइल अगर हमारा सब डिस्टर्ब है, हम ठीक से खाना नहीं खाते हैं, ठीक से सोते नहीं हैं, समय पर हम उठते नहीं हैं, भरपूर नींद नहीं लेते हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, तो ये सारे कारण हमारे थायराइड को डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी हैं। तो हमें इन्हीं सब चीज़ों पे आज ध्यान देना है। बहुत लोग स्मोक करते हैं जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ महिलाओं में देखा गया है कि ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद या मेनोपॉज के बाद जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं उसके बाद भी जो है चूँकि थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। अब हम जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या क्या लक्षण मिलते हैं, हम कैसे पहचानेंगे। तो इसमें जो है जो भी पेशेंट है उसमें क्या होता है, एकदम से अचानक से नहीं होता है कि उसको कोई सिम्टम आने लगे, कोई लक्षण आने लगे, ये धीरे धीरे आना शुरू होते हैं सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ उसका जो है वेट बढ़ने लगता है, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वजन बढ़ता है। और इसमें खास बात क्या होती है कि कम खाते हैं तो भी बढ़ रहा है वजन, यानी कि ये सोचते हैं कि अरे हम तो खाना कम खा रहे हैं तब भी हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है कि थायराइड की दिक्कत हो। साथ ही क्या होता है, भूख भी बहुत कम लगती है और चेहरे पे सूजन आ जाती है, इसको पफीनेस कहते हैं, चेहरा फूला फूला सा लगने लगता है, खासकर जब सुबह सो के उठते हैं तब ज़्यादा लगता है कि चेहरा हमारा सूजा हुआ है, और शरीर में भी हल्की हल्की हाथ वगैरह जो हैं, उंगलियाँ हैं, उनकी लगता है कि जैसे सूजन है, और शरीर में भी थोड़ा सा चेंज लगता है, उसमें भी लगता है कि स्वेलिंग सी आ गई है। साथ में हर बात पे इरिटेशन होगा, हर बात पे चिड़चिड़ापन आएगा और थकान लगेगी, और साथ में पेशेंट जो है कोई भी चीज़ अगर उसको कोई भी बात कर रहे हैं या कोई भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी तुरंत आ जाएगी, डिप्रेशन लगने लगेगा। साथ ही क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो है वो हार्ट की डिजीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इसके साथ ही बाल पतले लगने लगते हैं, झड़ने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, महिलाओं में और क्या क्या इसके अलावा मिल सकता है? पीरियड्स डिस्टर्ब रहने लगते हैं, सही समय पर नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा आ सकता है, बहुत कम आ सकता है। साथ में अगर प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब अगर किसी को कंसीव नहीं हो रहा है तो भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि थायराइड डिस्टर्ब होने की वजह से जो ओव्यूलेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। साथ में अगर प्रेगनेंसी के टाइम थायराइड की प्रॉब्लम हो गई तो उसमें क्या होता है, बच्चे पे और माँ पे दोनों पे ही असर पड़ता है, बच्चे की ग्रोथ पे काफ़ी असर पड़ता है। तो हमें काफ़ी अवेयर रहना है कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम, अगर प्रेगनेंसी के पहले भी हमें थायराइड की जांच करानी चाहिए और प्रेगनेंसी होने के बाद भी हमें थायराइड की जांच करानी चाहिए। इसके साथ ही बहुत सारी महिलाओं में ये जैसे हो सकता है कि कुछ महिलाओं में मतलब ऐसा रिस्क बन सकता है कि उनको टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, तब ये हो सकता है, कोई और टाइप की सर्जरी हुई हो जिससे थायराइड के पास जो है इफ़ेक्ट पड़ा हो, उसकी वजह से उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, या अनिमिक हो, या पहले कभी थायराइड की प्रॉब्लम रही हो, तो इन सब कारणों से जो है वो थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें अगर हमें ये सब लक्षण मिलते हैं तो हमें क्या जांच करानी चाहिए। तो जांच में हमें T3, T4, TSH, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट, ये सब हमें कराना चाहिए। तो ज़्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म अगर है तो हमें T3, T4 का लेवल कम मिलेगा और TSH हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के इलाज के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो चीनी नहीं खानी चाहिए, कोशिश करें कि गुड़ वगैरह का प्रयोग करें, चीनी में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है तो इसलिए कोशिश करें कि चीनी ना खाएं। साथ में हमें ग्लूटेन वाली चीज़ें जैसे कि आटे से बनी हुई, सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि पाव हो गया, ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, ये सब नहीं खाना चाहिए। सोया से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे सोया मिल्क है, सोया पनीर है, आजकल टोफू बहुत चल रहा है, ये सब नहीं खाना चाहिए। और सोयाबीन को हम ध्यान दे सकते हैं कि सोयाबीन को हम सोयाबीन ऑयल के रूप में, रिफाइंड ऑयल के रूप में यूज़ करते हैं, वो भी बहुत घातक होता है, तो सोयाबीन ऑयल को भी कोशिश करें कि ना लें। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में हम लोग जो हैं वो सोया सॉस यूज़ करते हैं, तो सोया सॉस नहीं यूज़ करें, कोशिश करें। उसके बाद जंक फूड वगैरह आता है, जंक फूड में भी बहुत सब की वैरायटी होती है, जैसे इसमें प्रोसेस्ड फूड है, जितने भी डिब्बा बंद सामान है ये सब नहीं खाना चाहिए, और जो जितने भी डीप फ्राइड है, बहुत ज़्यादा तले भुने सामान है, ये सब नहीं खाने चाहिए। मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कॉफ़ी और चाय इनका सेवन ना करें तो ही बेहतर होगा। और साथ में हमें जितने भी क्रूसीफेरस फैमिली के होते हैं, मतलब कि जैसे हमारा हो गया पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, सरसों का साग है, और इस टाइप का, या ब्रोकली है, ये सब चीज़ें कोशिश करें कि ना लें। ये सब जो है गोइट्रोजेंस होती हैं, मतलब ये थायराइड को प्रॉब्लम पहुंचाती हैं, तो इन सब चीज़ें हमें कोशिश करनी है कि नहीं खानी है। अब हम बात करते हैं कि हमें फिर क्या खाना चाहिए। तो खाने में हम बात करेंगे कि ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए भरपूर हो, सिलेनियम भरपूर हो, जिंक भरपूर हो, प्रोटीन भरपूर हो। तो इसमें हम बात कर सकते हैं, जैसे विटामिन ए में लेना है तो गाजर खानी चाहिए, गाजर बहुत ही फायदेमंद होती है, विटामिन ए आँखों के लिए भी अच्छी है और थायराइड के लिए भी बहुत ही अच्छी है। अंडा होल एग पूरा ले सकते हैं हम लोग। इसके अलावा हम जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, पनीर, ये सब ले सकते हैं। दही भी एक बहुत अच्छा रिच सोर्स है, तो दही भी हमें रेगुलर दिन में एक कप या दो कप दही खाना चाहिए। सलाद लेना चाहिए, सलाद में हमें प्याज है, खीरा, टमाटर, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। जूस में हम अंगूर का जूस है, अनानास का जूस है, ये सब ले सकते हैं। दालें हमें सभी खानी हैं। फलीदार सब्जियां ज़रूर खाएं जिनको थायराइड की दिक्कत है। इनमें क्या कहते हैं, सिलेनियम है और जिंक है, आयरन है, ये सब भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो फलीदार सब्जियां काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। जो लोग नॉन वेज के शौकीन हैं उन्हें फ़िश खानी चाहिए। फ़िश जो है उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो बहुत रिच मात्रा में पाया जाता है, और साथ से सिलेनियम ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो फ़िश भी जो है वो खाया जाए तो उससे भी थायराइड काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। साबुत अनाज का प्रयोग करें, साबुत अनाज में हम ओटमील ले सकते हैं जो चर्बी को हमारे घटाता है। पानी हमें पीते रहना चाहिए, रेगुलर पानी पीना है, और चाय कॉफ़ी के स्थान पर आप कोशिश करें अदरक का पानी लें। अदरक को पानी में उबाल के उसको सिप बाय सिप ले सकते हैं, साथ ही ग्रीन टी भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया डाइट प्लान कि हमें कैसे अपने आहार को
चेंज करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है। साथ ही हमें एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। एक्सरसाइज आप 30 मिनट्स का समय ज़रूर निकालें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में भी हमको थायराइड के लिए स्पेशली प्राणायाम, प्राणायाम में भी हमें उज्जयी प्राणायाम ज़रूर करना है और कपालभाति करना है। आसन में सर्वांगासन, हलासन हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है, यानी कि जिनको किसी को भी गर्दन के पीछे भाग में दर्द होता है या सुन्न होता है, तो उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है और उनको जो है सर्वांगासन हलासन नहीं करना है। वे केवल गर्दन को पहले दाई तरफ से और बाई तरफ से गोल गोल घुमाकर इस तरीके से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमारा डाइट प्लान फॉलो करें और साथ में जो हमने जो एक्सरसाइज बताई है उनको करें, तो निश्चित ही आपको हाइपोथायरायडिज्म में लाभ मिलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।